Hey viewers, hope you all are doing absolutely great. और अभी हम लोग जा रहे हैं गोरा शेल्टर होम पर, जो है तरुण भाई मिश्रा का. पर बारिश बहुत ही ज्यादा है और आज इंडिपेंडेंस डे है और ये पार्ट टू में डाल रहा हूँ. थोड़े दिनों बाद आएगा पर हाँ, पार्ट टू है. अगर आपको पार्ट वन देखना है तो आई बटन के ऊपर जाके लिंक को क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको पार्ट वन पूरा मिल जाएगा. तो बारिश की वजह से यहाँ पर भी शायद लेट होंगे ऐसा लग रहा है. 12 ऑलरेडी बज चुके हैं और 12 बजे का टाइम है. पर चलिए अब निकलते हैं, अभी अभी फ्री हुए हैं तो चलते हैं. दोस्तों, आप पहुंचे हैं अडाजन वाले शेल्टर होम पर और बहुत ही बढ़िया माहौल, जैसे कि आप लोग देख रहे हो. ये रहे अपने तरुण भाई. कैसे हो तरुण भाई? एकदम भाई बढ़िया. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी. अरे और बताओ, आजादी किस तरह मना रहे हो? आजादी देखो, अभी तो ट्रैफिक में रह रहकर बारिश में मना रहे. बारिश बहुत है यार. वही मैंने बोला कि आज बहुत ही लेट हो गया हूँ, बहुत ही ट्रैफिक था, उसी वजह से थोड़ा लेट हो गया. प्रोग्राम थोड़ा लेट ही शुरू हुआ बारिश. अच्छा, हाँ बारिश भी है. शेड्यूल बिगड़ गया, लेकिन बच्चों ने तैयारी की है तो पूरा करना ही. पूरा करेंगे. नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है. नैन्सी के लिए जोरदार ताली हो जाए. देश रंगीला, देश मेरा रंगीला. और आज 75 साल की उजवणी पूरे भारत वर्ष कर रहा है. आप नहीं, हम नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 साल आजादी के. और आज हर तरफ, हर हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में खुशी का माहौल छलक रहा है और हर एक हिंदुस्तान के दिल से ये आवाज आ रही है, कह रहे हैं कि जय हिंद, जय भारत. और आजादी हमारे लिए एक ऐसा सपना है जो हर हिंदुस्तानी का होता है, जिसे देखते ही देखते आज 75 साल गुजर गए. तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली अपने देश के लिए. जय हिंद. आइए दोस्तों, गीत और संगीत, देशभक्ति नगमे एक से बढ़कर एक पेश कर रहे हैं यहाँ पर हमारे कलाकार. लेकिन अब एक ऐसे कलाकार की बारी है. तरुण भाई बहुत ही बढ़िया गाना गाने वाले. देखो अनाउंसमेंट हो चुका है. चलो तरुण भाई, चलो चलो गाना वाना गाते चलो. अरे यार ऐसा नहीं यार. अरे यार सब लोग देखो, सब लोग देखो कैसा है वैसा. चलो अरे चलो 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 चलो. अरे आपका आपका नाम आ गया है. लेकिन फिर भी अभी दो मिनट. अरे भाई बहुत देखा. चलिए सार्वजनिक कोई नहीं आ रहा. तरुण जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. जो संस्था है उसी के लिए बनाई भी है और उसी की देखभाल करते हैं. और मैं समझता हूँ कि हम आप ही लोगों की हेल्प भी करते हैं. तो सर आपका धन्यवाद बहुत बहुत. हम सब की ओर से दिल से हम आपको थैंक यू कहते हैं आपके काम के लिए. आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आज के दिन को इतना अच्छा बनाए कि यहाँ पे शेल्टर में रहने वाले सभी लोगों ने इंजॉय किया और स्वतंत्रता दिवस का समारोह बहुत अच्छे से हम लोगों ने. इसके लिए आप सबका धन्यवाद. भारत में मेरे भारत में दुनिया का तब दिन दिया.
दोस्तों बहुत ही बड़े आयोजन किया हुआ है अपने तरुण भाई ने, जब मैं अभी अंदर जाके आया पूरा मस्त एकदम देख के आया, पर वहां पर बहुत सारा शोर मच रहा था और गाने वाने भी बहुत ही बज रहे थे अपने भारत देश के, तो वो क्या है मैं इसमें डाल नहीं सकता वरना मेरे में वैसे कॉपीराइट आ जाएगा। और अभी तरुण भाई से भी कुछ बात नहीं हो पा रही क्योंकि वहां पर पूरा ऐसे फंक्शन जोरों शोरों से चल रहा है, तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको मिलवाता हूँ तरुण भाई से और उनसे भी क्या है क्या नहीं, आज का क्या पूरा प्रोग्राम था, कैसे रहा और वो सब। और आधा प्रोग्राम तो यूं ही निकल चुका है, पर कोई बात नहीं, अभी तरुण भैया की स्पीच बाकी है तो पहले वो भी थोड़ी बहुत देखते हैं और एंजॉय करते हैं ये वाले पूरे पल को। अभी हम लोग पहुंच गए हैं वापस तरुण भाई के पास, एकदम मस्त सारा आयोजन हो गया है, अभी बच्चे बच्चे लोग सब नाश्ता वास्ता कर रहे थे, तो चलिए पूछते तरुण भाई से कि क्या था क्या नहीं और कैसे पूरा आयोजन था किस तरीके। हम तो खैर लेट पहुँचे ट्रैफिक और उसकी वजह से, तरुण भाई बताइए। बस भाई आप आए, आज तो सभी लेट हो गए थे, कह हाँ। रहे थे इस बार इतनी बरसात हो रही थी आज के दिन में हाँ। कि जो भी प्लान का शेड्यूल था मेरा भी दो तीन जगह का था हाँ। लेकिन सब कैंसिल करना पड़ा, एक जगह से मैं होके आया वात्सल्य धाम में गए थे हम लोग अच्छा। वहाँ पे ध्वजारोहण किया लेकिन सिर्फ ध्वजारोहण ही हो पाया, बच्चों ने जो तैयारी की थी वो प्रोग्राम हुआ नहीं। यहाँ भी तैयारियाँ थी लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा पोस्टपोन करके लेट करके बच्चों का परफॉर्मेंस करा दिया, उनका दिल नहीं टूटे, बहुत मेहनत करते हैं वो। नहीं नहीं वो देखा हम लोगों ने, डांस वांस बहुत ही बढ़िया था, काफी क्या था, हम लोग ने तो 10 मिनट में देख लिया लेकिन उसके पीछे वो लोग 10 दिन से लगे हुए हैं, पूरा रिहर्सल करते हैं, तो उसको हमने परफॉर्म करवाया और काफी अच्छा रहा। और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो दिन होता है कहते हैं 15 अगस्त 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, 14 अगस्त रात को जो है ना हमारा कहते हैं अंग्रेजों का झंडा हटा था, हमारा झंडा चढ़ गया था, तो तब से हम लोग आजाद हैं। और इस आजादी के लिए कितने सारे लोगों ने अपना जान दिया है, कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जान दिया है और बहुत सारे लोगों की इसमें आहुति है, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन आजादी सिर्फ इस चीज की नहीं थी कि हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए, आजादी बहुत चीजों से चाहिए थी, भुखमरी से चाहिए थी, गरीबी से चाहिए थी और शिक्षा से चाहिए थी कि भाई हमारा जो आने वाला भारत हो उसमें सब शिक्षित हो, सब कोई गरीब नहीं रहे, उस तरह का स्वप्न जो है, उस तरह का जो है सपनों का भारत था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का। तो बस उसी भारत का निर्माण करना है, आज 75 साल बीत चुके हैं आज़ादी के और भारत में बहुत बदलाव है, आज सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो बस इसी प्रचलन को, इसी संस्कृति को कहते हैं हमारा जो देश है, खासकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है, ये करुणा के लिए, भाव के लिए, दया के लिए और सरलता के लिए जाना जाता है कि हम हर लोगों के प्रति, हर इंसान के प्रति सहानुभूति रखते हैं, हर प्रकृति में हर जीव के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो इसलिए हम लोग सबसे अलग कहे जाते हैं कि विश्व गुरु के रूप में हम लोग उभरेंगे। और हमारे यहाँ जो है ये ऋषि मुनियों की धरती है और अध्यात्म की धरती है, तो वो संस्कार कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है, तो बस बचा के रखना है उस चीज को और यही करुणा भाव के साथ हम भी आगे बढ़े और अपने साथ दो को और भी आगे लेके जाए, तभी एक अच्छा समाज का निर्माण होगा और सही मायने में हमें आजादी मिलेगी और एक अच्छा भारत बनेगा। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, अब क्या प्लानिंग है अपना आगे? अभी तो हमने ये किया है और देखते हैं फिर अपनी जो ड्राइव है उस पर निकल पड़ेंगे किसी एक नई मदद के लिए, कि किसी की थोड़ी सी दुख में हम लोग सहायता कर सकें और उसके सहभागी बने, उनको एक नया रास्ता दिखाएं। बाकी आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा और हेल्प ड्राइव फाउंडेशन के वीडियोस को देखें, योगी भाई को फॉलो करें। और तरुण भाई ये जो अपना शेल्टर है वो कहाँ पर आया हुआ है उसका थोड़ा वो इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो साथ साथ में विजिट जैसा भी छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल, ये शेल्टर अपना जो है सो अड़ाजन के पास में गोराट एक जगह है, तो गोराट के अंदर में है, सामने सुमन संध्या आवास है, आवास के जस्ट अपोजिट में ये शेल्टर होम है जो कि सूरत महानगर पालिका द्वारा इसको बनाया जाता है और एनजीओ द्वारा इसका संचालन किया जाता है।
काफ़ी अच्छी जगह है और लोगों को बहुत लाभ मिलता है। हमारी गवर्नमेंट भी हमेशा प्रयत्नशील रहती है कि कुछ ना कुछ लोगों के लिए अच्छा करें, लेकिन जो कहते हैं ना डिलीवर करने वाले लोग होते हैं वही सही नहीं होते कि वो अपने निष्ठा से काम नहीं करते। बाकी गवर्नमेंट के पास जो योजनाएँ हैं, गवर्नमेंट के जो स्कीमें बाहर आती हैं उन लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। तो बस हम लोग की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम गवर्नमेंट की स्कीम को लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को जागरूक करें, है ना। हेल्प हमेशा अपने पैसों से नहीं होती, अपने समय से भी होती है, अपने नॉलेज से भी होती है। आपके आसपास कोई ऐसे हो जिनको थोड़ा शिक्षा का अभाव हो, नॉलेज का अभाव हो, तो आप उनको बता सकते हैं कि इस तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम है या ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें वहाँ पर जहाँ पर निःशुल्क में रखा जाता है। बहुत सारे समाधान हमारे आसपास ही होते हैं लेकिन अज्ञानता के कारण अनजान रहते हैं, ठीक है। नहीं नहीं सही बात है। तो अभी यहाँ का आपका हेल्पलाइन नंबर कौन सा है वो भी बता दीजिए। हेल्पलाइन नंबर अपना है 700-940-5000। अरे सही है। तो दोस्तों यही था अपना शेल्टर होम, मैंने आपको आगे भी दिखाया। और अगर आप लोगों को यहाँ पर आना हो, कोई भी आप में से कोई नीडी हो या आपके आजू बाजू ऐसा कोई रह रहा हो या कर रहा हो, तो आप अवश्य हेल्प ड्राइव फाउंडेशन का और शेल्टर होम का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर उनका दाखिला करवा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी उन्हें दिलवा सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे कोई बेनिफिशियरी होगा उनसे भी बात करवाऊँगा किस तरीके का है, क्या क्या सुविधाएं है उसके लिए भी। तो देखिए ये डॉर्मेट्री रूम है पूरा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा सब रहता है। बंकर बेड्स दे दिए गए हुए होते हैं। अभी दोपहर का वक्त है, सब लोगों ने मस्त एकदम इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे ही देखिए कोई होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अभी तो सब सो रहे हैं तो खैर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। और यहाँ पर मस्त नाश्ते वास्ते का भी आयोजन करवा के रखा है। भाई मिलते हैं ना। चलो भाई ठीक है, एकदम अच्छा लगा। अरे मुझे भी बहुत आनंद हुआ आपका सब आयोजन वायोजन देख के, बहुत ही मजा आ गया। चलिए ठीक है, 15 अगस्त ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए मिलते हैं। ग्रो करिए। अरे आपका साथ सहकार है तो ग्रो ही करेंगे। बाय दोस्तों। अभी हम लोग निकल चुके हैं ये गोरा शेल्टर होम से और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर। डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। टिल देन स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिए और अपना प्यार दिखाइए।